कोरोना टीकाकरण अभियान पिछले एक महीने से चल रहा है। इसमें सामने आने वाले श्रमिकों का टीकाकरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। अब सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस संबंध में एक समीक्षा बैठक आज ग्रामीण क्षेत्र के हिंगना क्षेत्र में नीलोह ग्राम पंचायत में आयोजित की गई। ग्रामीण उपमंडल अधिकारी मीरा चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में हिंगना तहसील के ग्रामीण तहसीलदार, तलाठी स्वास्थ्य अधिकारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य सभी अधिकारी उपस्थित थे। टीका व्यापक रूप से उपलब्ध है, हालांकि तस्वीर यह है कि टीका लगवाने के लिए नागरिक आगे नहीं आ रहे हैं, इसलिए टीकाकरण अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करने और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए निर्देश दिए गए। वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई है, कोविड केयर सेंटर चालू है। उपमंडल अधिकारी मीरा चौधरी ने कहा कि परीक्षण केंद्र के साथ अलगाव वार्ड बढ़ाए गए हैं। इंदिरा चौधरी, उपविभागीय अधिकारी नागपुर ग्रामीण। आपला एक महिन्यापासून वैक्सीनेशनचा प्रोग्राम, लसीकरणाचा प्रोग्राम सुरू झालेला आहे। त्यामध्ये आपण सर्वात आधी जे फ्रंटलाईन वर्कर होते, जे कोविडमध्ये काम करत होते, त्यांचं लसीकरण आटोपलेलं आहे। त्यानंतर आता 60 वर्षावरील व्यक्ती, पुरुष किंवा स्त्री, यांच्या लसीकरणाची मोहीम आपण हाती घेतलेली आहे। आता परत कोविड वाढायला लागलेला आहे संख्या, त्यामुळे 60 वर्षावरील लोकांचं 100% लसीकरण संपवणं आपल्यासाठी अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून त्याच्या पुढील टप्पा आपला सुरू होऊ शकेल। तर लसीकरणाच्या मोहिमेला जास्तीत जास्त नागरिकांनी प्रतिसाद द्यावा आणि 60 वर्षावरील लसीकरण आपण यशस्वीरित्या पूर्ण करावं, यासाठी एक आढावा बैठक आणि आपण आयोजित केलेली होती। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News, नागपूर।